टू नेगेटिव। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने कम कर दिया, चार वाला कोऑर्डिनेशन नंबर दिया, उससे पहले हम जो दे रहे थे वो छह वाला कोऑर्डिनेशन था। निकल सीएल फोर टू नेगेटिव, देखिए इसमें क्या है। अब सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे वो आपका प्लस टू आएगा, दैट मीन निकल इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन। आपको पता है क्या करना है इसमें, निकल की जो होती है निकल का होता है 28 इसका एटॉमिक नंबर है, तो दैट मीन इसकी आउटर कॉन्फिग्रेशन जो है ना, आउटर कॉन्फिग्रेशन 3d8 है 4s2 है, ठीक 3d8 4s2। अगर आप निकल टू पॉजिटिव लोगे, निकल टू पॉजिटिव में क्या होगा, s के दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो आपके पास खाली बचेगा 3d8 4s0, ठीक है बेटा। तो मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूं निकल टू पॉजिटिव पे, ये मैं d बना रहा हूं इसका 3d 4s 4p, ठीक है ना, वैसे भी 4d की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां चार ही लिगेंड्स हैं। तो ये बना हमारे पास निकल, अब डालिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आपको चाहिए चार क्लोरीन के लिए चार डब्बे, ये चार डब्बे आप यहां से भी लिख सकते हो, है ना, ये चार डब्बे आप यहां से भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि क्या ये पेयरिंग करवाएगा कि नहीं। जो क्लोरीन है ये वीक फील्ड होता है, दैट मीन ये पेयरिंग नहीं करवाता, ठीक। जब पेयरिंग नहीं करवाता तो ये इसको रहने देगा ऐसे ही, जब ये ऐसे ही रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं ले रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन में, ये चार ही चाहिए क्योंकि चार ही इस वक्त आपके पास आ रहे हैं वहां से, ये चार आप बता सकते हो मैंने इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रखी इस वक्त, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, है ना, एक sp3 sp3 ये हो गया तैयार। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCl4 टू नेगेटिव, ये 3d ऐसे ही, इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसमें अब इलेक्ट्रॉन डालेंगे जो हमें किसने दिए, क्लोराइड ने दिए, चार क्लोराइड चार लोन पेयर्स देंगे हमें, चार क्लोराइड हमें चार लोन पेयर्स देंगे, तो ये बन गया sp3। चलिए बताइए बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3 है, ठीक। इसमें आपने डी तो यूज ही नहीं किया, तो इसको इनर डी आउटर डी कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज है आपने पेयरिंग नहीं की क्योंकि इसमें आपने डी यूज ही नहीं किया, इसमें आप सिर्फ sp3 आपने यूज किया। अब हाँ एक चीज है, पेयरिंग करवाई कि नहीं करवाई वो तो पता है, पेयरिंग नहीं करवाई, जब पेयरिंग नहीं करवाई तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहोगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब आप पेयरिंग नहीं करवाते हो तो इस कॉम्प्लेक्स को ही कहा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, फ्री स्पिन है इसमें, तो जब फ्री स्पिन है देन इट इज अ पैरामैग्नेटिक, ठीक, ये पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन है। क्या आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ सर हम कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट अंडर रूट 2 2 प्लस 2, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 2, दैट इज n n+2, वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो आपको आएगा राउंड अबाउट 2 2 हो गया 4 4 2 हो गया 8, अंडर रूट 8 आ जाएगा, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर वी नो दैट sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 जब भी वो आपके पास इट इज टेट्राहेड्रल, जब ये टेट्राहेड्रल है तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो आपके पास निकल क्लोराइड 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 आ गई सारी इंफॉर्मेशन। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको याद रखिएगा, मैं आपको इस वक्त ये दे रहा हूं ना अंडर रूट एट, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसे हम क्या कर सकते हैं इस मैग्नेटिक मोमेंट से। चलिए आगे ये कॉम्प्लेक्स भी हमें समझ,
लेकिन अगर हम अब ऐसे डालें कि हमारे पास निकल साइनाइड है CN4, ठीक है बेटा, साइनाइड है, क्लोराइड नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा इसको, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप देखोगे इट इज अगेन +2, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फिर से है, दैट मीन कहानी ऐसे ही है। निकल 28 होता है एटॉमिक नंबर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2, s दो इलेक्ट्रॉन आपने निकाले s से, हो गया 0, तो कहानी बराबर वैसे ही है। तो फिर आप ऐसे ही बनाएंगे, आप फिर से रिराइट करेंगे, मैं इसी डायग्राम को ये कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, तो बेटा देखिए इसका क्या हो जाएगा, है ना, ऐसे 3d8, और चलिए यहां तो मैं एक स्टेप में इसको फिर से राइट कर रहा हूं। निकल 2 पॉजिटिव हमारे पास था, 3d8, ये है 3d8, ठीक, 4s0 था और था 4p, ठीक, कहानी ऐसे थी। अब दो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर कर दिए, चलिए ठीक है बाहर कर दिए, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको अब 4 ऑर्बिटल्स खड़े करने हैं, ठीक, लेकिन यहां पर ये साइनाइड है, साइनाइड मतलब कि यहां पर पेयरिंग होगी, जब पेयरिंग होगी तो ये ऐसे चला जाएगा ना, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक, आपने पेयरिंग करवाई यहां पर, जब पेयरिंग करवाई तो ये अंदर डी ऑर्बिटल यूज खाली हो गया एक। अब आप जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना, आप इसको लोगे 4 लेने हैं, क्योंकि साइनाइड यूनिडेंटेट है, 4 लोन पेयर देंगे, 4 साइनाइड, ये 4 मैंने तैयार रख दिए इसके लिए, ठीक है, जब 4 तैयार रख दिए इसके लिए, नाउ व्हाट वी विल डू, इन 4 को अलग रखेंगे, 3d, इट इज 3d, ठीक, इसमें से ये एक डब्बा जो खाली हो गया ना, इसको मैं अलग कर देता हूं, आगे 4, 1 2 3 4, ये है dsp2, ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, कौन दे रहा है, साइनाइड दे रहा है, क्लोराइड नहीं, इस वक्त हमारे पास साइनाइड है, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं इसको, ये हमारे पास साइनाइड है इस वक्त, ठीक, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई dsp2। नाउ अब अगर आप इस पेयरिंग हुई साइनाइड ने इसमें पेयरिंग करवाई, अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली बात होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है dsp2, चलिए बताइए मुझे इसके बाद, ये इसमें डी यूज हो गया, तो डी जब यूज हुआ कौन सा वाला, इनर वाला, तो इनर डी कह सकते हो आप, जब डी है तो आप ये कह सकते हो इनर डी कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद मैग्नेटिज्म बताइए इसका, ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0, ठीक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे √0 0 + 2, दैट इज 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया। अब और ये भी कह सकते हो इट इज अ लो स्पिन, इसमें तो कोई स्पिन है ही नहीं, इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और dsp2 का स्ट्रक्चर जो होता है ना इट इज स्क्वायर प्लेनर, sp3 का क्या होता है, sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, इट इज स्क्वायर प्लेनर, दैट मींस कैसे है स्क्वायर प्लेनर, निकल 4 साइनाइड्स प्लेन में, तो हो गया ये स्क्वायर प्लेनर, तो सारी प्रॉपर्टीज आपने निकाल दी, लेकिन पेयरिंग करना ना करना ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारी चीजें इसी पे रखता है। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन देता आपको, कहता कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, निकल Cl4 2- एंड निकल Cn4 2-, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट √8 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, आप मुझे इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो, वी कैन, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी हमने देखा ना टेट्राहेड्रल में इसका 8 रहा, आपने कैसे पेयरिंग किया, दैट मीन पेयरिंग नहीं किया, इस वाली साइनाइड में आपने पेयरिंग किया तो इसका 0 हो गया,
तो फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट डाटा वी कैन रिवील द स्ट्रक्चर. फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट डाटा वी कैन रिवील द स्ट्रक्चर. चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं. वी विल नाउ सी सम स्पेशल केसेस कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं. FE, some special cases, CO5, ठीक. FE, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्योंकि ये जीरो है, यहां पर भी जीरो है. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो. आयरन की कॉन्फिग्रेशन है 3D6 4H2. इसका एटॉमिक नंबर 26. तो आप ऐसे बनाइएगा इसका. अब हमारे लिए आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ये आ जाएगा आपको. ये हो गया डी. डी में कितने हैं? 6 है. ये डाल दिए, पहले ऐसे करना चाहिए, 1 2 3 4 5, फिर 1 6. एस खाली, पी है ये 4P. और अब ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग, तो ये इसकी पेयरिंग करवाएगा. जब ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग पे क्या होगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा. ये हो गई पेयरिंग, इसकी वजह से 2 खाली हो गए. ठीक है. अब फर्दर, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स चाहिए. हम ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे. आगे 6, 2 यहां और तीनों लेंगे sp3. हो गए 6 हमारे. तो हम सिचुएशन ऐसे बन रही है. FE, देखिए मैं अब एक साथ लिख रहा हूं. CO5, एक स्टेप मैंने इसमें ओमिट किया. अब ऐसे, क्योंकि अभी समझ आ जाएगा, इन तीन को अलग कर दिया. ये जो तीन है 3D, ये जो 6 ऑर्बिटल है, इनको अलग रख रहा हूं यहां पर. वी डोंट नीड 6, वी नीड 5, बिकॉज इट इज CO5. तो हमें क्यों चाहिए, हमें तो एक 5 ही ऑर्बिटल चाहिए ना. तो मैं ये पी छोड़ रहा हूं, मुझे ये 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 ही चाहिए. ये एक पी जो बचा ना, इसको अलग रख देंगे, 4P, 5 ही चाहिए. तो ये आपका हो गया कॉन्फिग्रेशन D2 SP2. ठीक है, D2 SP2. आ गया इसका कॉन्फ़िगरेशन. ये कार्बोनिल्स ने इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए. अब अगर आपको कोई पूछेगा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, कैन यू से इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा. सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन DSP2. दूसरी बात, आपने डी कौन सा यूज किया, इनर डी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो. ठीक, ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन. इनर जो होते हैं वो लो स्पिन होते हैं, इसमें तो कोई स्पिन भी नहीं है, इट्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कह सकते हो ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. इट्स अ डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, इसका मैग्नेटिज्म 0 आ जाएगा जब आप निकालोगे. इसका जो स्ट्रक्चर DSP2 का स्ट्रक्चर, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, चाहे SP3D2 हो, चाहे D2SP2 हो. 6 के लिए जैसे ऑक्टाहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. 4 के लिए 2 चीजें पॉसिबल है, या तो टेट्राहेड्रल जब SP3 होगा, या तो स्क्वायर प्लेनर जब DSP2 होगा. तो आप इसमें FE CO CO CO, ठीक, ये तीन जो ट्राइंगल पे दिख रहे हैं, ये प्लेन में है और ये आगे और पीछे है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो ये भी आ गया आपका कॉम्प्लेक्स. और एक एक्सेप्शनल केस देखिए, we have Cu
NH3 4 2 पॉजिटिव। इसको ठीक से देखिएगा, इज एन एक्सेप्शनल केस, यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है वो मैं देख रहा हूं। कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर देखेंगे इट इज +2 ठीक, अमोनिया न्यूट्रल है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 3D10 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4S1 ठीक। जब आप कॉपर +2 देखेंगे तो आपको S से 1 निकालना है, D से 1 निकालना है, तो आपका बचेगा 3D9 4S0। चलिए मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं Cu2 पॉजिटिव, D में कितने हैं, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक। उसके बाद यहां 4S है और यहां 4B है। अब इसके बाद आपका क्या आ गया, अमोनिया। अब जब यहां पर तो पेयरिंग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको उठाओगे तो कहां डालोगे, कहीं नहीं। दैट मीन जहां पर कोई चांस ही नहीं है वहां क्या पेयरिंग करवाना, यहां कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होती। लेकिन यहां पर अनएक्सेप्शनली एक चीज हो जाती है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर अकेला खड़ा है ना, ये जो यहां पर अकेला खड़ा है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से उठ के यहां चला जाता है ठीक। उसकी वजह से इसमें क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव ये हो गया ना खाली, ये पहुंच गई यहां एक्साइटेशन, ये एक्साइटेशन हो गया इस इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद अब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल्स को तैयार करना है, 4, ये मैं रख रहा हूं 1, ये ये 3D, इसमें से 4 मैंने निकाल दिए। ये 4 कौन से हैं, D में से 1 निकाला sp2 और ये 1 खाली दिए यहां पर ठीक है ना। ये किसका था, 4p। अब ये 4 आपके पास तैयार है, आप डाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। के ये आपके यहां पर है 4, इस DSP2 में आपने डाले 4 इलेक्ट्रॉन और ये पी खाली 1 इलेक्ट्रॉन देखिए। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा, पहली बात हमें कैसे पता चला, इसके बारे में VBT हमें कुछ नहीं कह पाता कि ये कैसे यहां से यहां चला गया। लेकिन अब हमें कैसे पता ये कि यहां से जहां चला गया, देखिए अगर ये नहीं चलता, ये वहीं पर रहता तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती sp3, बनती कि नहीं, अगर आप इसको यूज नहीं करते, इसको रहने देते यहां पर, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है sp3 होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्सरे, दैट मीन एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट कौन सा, एक्सरे दिखाता है इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली डी आना चाहिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2, और dsp2 में ही जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कौन सा बनता है, स्क्वायर प्लेनर, जो मैंने इससे पहले बताया। इसलिए ये यहां से यहां गया, क्यों गया, VBT इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस, यू कैन टेक इट एन एक्सेप्शनल केस जिसमें ये होता है, और कुछ निकल वाले कॉम्प्लेक्स में ऐसा देखा गया है, बाकी किसी कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता नहीं है। तो अगर अब आपके इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपसे पूछूं, क्या है ये, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें अभी भी है, लेकिन अगर बाकी प्रॉपर्टीज DSP2, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ये हाई स्पिन है, नहीं हाई स्पिन भी नहीं है, इट्स अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिन है एक है लेकिन कम है, बट इट इज अ पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द VBT, हमें क्या क्या कह रही है। देखिए मैं अब आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ इसकी लिमिटेशन आपको बताऊंगा, जो आपको खुद समझ आ जाएंगी और जो आपके आगे वाली करियर में हमें काम आएंगी। सबसे पहली बात, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशन, इसमें बहुत सारे एजम्पशन हैं। दूसरी बात,
पूरा दैट मीन क्वांटिटेटिवली इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा ठीक से समझ नहीं आता। जैसे इस वाले केस में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, अगर ये तीन यूज करता दैट मीन टेट्राहेड्रल बनता, तब भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसने स्क्वायर प्लेनर बनाया, तब भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा। दैट मीन क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डाटा की अच्छे से दी नहीं है। कलर के बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं बताती, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसमें कम स्टेबिलिटी है, जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताता। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश, कोई किसी को आपने वीक क्यों कह दिया, किसी को स्ट्रांग क्यों कह दिया, उसके बारे में ये आपको कुछ नहीं बता पाता। दिस इज ऑल अबाउट द VBT इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।